Hello children, today I am going to teach you mathematics subject. So let's begin. Division of mathematics. One number, which is the greatest three digit numbers? Which is the greatest three digit numbers? A में दिया है 100, B है 990, C में 999, D में 111. इसमें greatest number digit, सबसे बड़ा greatest number कौन सा है? तो 999. वन डिजिट में 9 आएगा, टू डिजिट में डबल 9 आता है, और थ्री डिजिट में ट्रिपल 9 आता है. 999 सी नंबर आएगा, इसमें सी नंबर 3 इज द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर 999. टू नंबर से 500 प्लस 400 इक्वल, ये दोनों का टोटल करेंगे. इसमें 100 है, 504 है, 540 और 900 है, दोनों का टोटल करेंगे. 00, फिर 0 का 0, 5 और 4 9, तो 900 हुआ. 900 आया तो आंसर में आएगा डी. डी लिखेंगे उसमें डी. थ्री नंबर्स, हाउ मच मोर इज 185 देन 125? यानी 185 लिया है और इधर 121, तो 185 है और 121 से कितने ज़्यादा है? मोर यानी ज़्यादा. 185 अपने को 185 माइनस 125 करेंगे तो 64 आएंगे. 64 आता है क्योंकि इसमें है 5 में से अपने 1 माइनस करते हैं तो 4 बचता है, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, और 1 है तो 0 लगेगा. 64 आंसर होता है उसका. इधर दिया है 164, सी में 106 और 66. 185 में से माइनस 121 करेंगे तो 64 बचेगा, तो 121 से 185 है वो 64 ज़्यादा है. 64 ज़्यादा है, मोर यानी ज़्यादा. ये नंबर्स आएगा. फोर नंबर, इन विच वे द नंबर 309 कैन बी रिटर्न? अपने को उसको रिटर्न में लिखना है. इन विच वे द नंबर 309 कैन बी रिटर्न? अब इसमें नंबर में है 30 प्लस 9, बी में है 3 प्लस 0 प्लस 9, सी में है 300 प्लस 9, और डी में है 30 प्लस 10 प्लस 9. अभी ये दिया है 309, ये 39 हुआ. ये 300 की प्लेस है, ये 10 की है और 9 है, तो 309 ऐसे लिखते हैं. 309 तो 309 हो गया. वो बी नंबर से आएगा डी. इन विच यूनिट इज द लेंथ ऑफ ए पेंसिल मेजरेड? इन विच यूनिट द लेंथ ऑफ ए पेंसिल मेजरेड? इसे मापेंगे हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर.
तो किलोमीटर से मापते हैं लेंथ को, लंबाई को किलोमीटर। सी नंबर आएगा, इन विच यूनिट इज द लेंथ ऑफ ए पेंसिल मेजरेड। इसी मापे पे कि हम पेंसिल को माप किससे करेंगे, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। इसमें सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर। व्हाट इज द सम ऑफ 90 मीटर प्लस 32 सेंटीमीटर एंड 14 मीटर और 50 सेंटीमीटर। अपने गिनेंगे, अभी ये है 2 रहेगा और 5 आएगा, 5। इसको काम दोनों को काउंटिंग करेंगे, 19 और 32 सेंटीमीटर, 19 और 32 को काउंटिंग करेंगे, 19, 32 सेंटीमीटर, फिर दिया है 14 और 50 सेंटीमीटर। तो दोनों को हम काउंट करेंगे तो आता है 33 मीटर 82 सेंटीमीटर आता है, डी नंबर आता है 32। अब ये दोनों को करेंगे, 2 का 2 रहेगा, 5 और 3 होता है 8, 9 और 4 13 बन जाएगा, फिर 1 बचेगा और 33 मीटर 82 सेंटीमीटर होता है, डी नंबर आता है। दोनों का टोटल करना है, उसको लेना है, इसको एक में लेना है, फिर उसके नीचे रखना है, तो उसका आंसर आता है 33 मीटर 82 सेंटीमीटर, डी नंबर। अब इसमें दिया है हाउ मैनी कॉर्नर, कॉर्नर यानी उसके कोने कितने के आर देयर इन द गिवन शेप। तो शेप दिए, आकार दिया है, इसके कॉर्नर को गिनना है कितना है। अब ये 1 है, 2, 3, 4, 5 कॉर्नर है, ये आकार दिया है, उसको 5 कॉर्नर बताया है, 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 आता है, डी नंबर आएगा उसमें 5 कॉर्नर से, तो डी नंबर आएगा डी। फिर इसने बताया है हाउ मैनी एड्स डज ए क्यूब हैव, क्यूब के कितने एड्स है, जैसे 10 है, 6 है, 12 है, 14 है, तो क्यूब के एड्स है जो उसका है उसको 12 है, 12 तो सी नंबर आता है। इसमें विच इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, 999, 2 नंबर में दिया है 500 प्लस 400 इक्वल 900, ये नंबर। रिमे हाउ मच मोर इज द 185 देन 121, 185 में 128 माइनस करेंगे उसको बचेगा, मोर है उसके 85, 64 ज़्यादा है उससे, ये नंबर आएगा। इन विच वे द नंबर 309 कैन बी रिटर्न, में कैसे लिखेंगे 309 से नंबर 309। इन विच यूनिट द लेंथ ऑफ ए पेंसिल मेजरेड, पेंसिल की अपने को लेंथ मापेंगे तो सेंटीमीटर से मापेंगे, नंबर आएगा। व्हाट इज द सम ऑफ द 19 मीटर 32 सेंटीमीटर एंड 14 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो दोनों का टोटल होता है 330 मीटर 82 सेंटीमीटर, बी नंबर। 7 हाउ मैनी कॉर्नर आर देयर इन द गिवन शेप, ऐसे दिया है उसके कॉर्नर है 5 कॉर्नर है तो डी नंबर आएगा। 8 नंबर हाउ मैनी एड्स डस ए क्यूब हैव, क्यूब के कितने एड्स से, तो 12 होते हैं तो सी नंबर से। डू इज डायरेक्टेड 1 नंबर में राइट जस्ट द प्रेसेंडिंग नंबर,
क्रेसेंडिंग नंबर उसके आगे वाला नंबर देखना है 470 है तो 469 राइट द जस्ट सक्सेंडिंग नंबर में है इसके पीछे वाला 391 तो 392 आएगा राइट द जस्ट क्रेसेंडिंग नंबर 469 470 राइट द जस्ट सक्सेंडिंग नंबर 391 392 राइट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर से अपने को जमाना है अभी ये 500 है 300 है 800 500 तो पहले हम असेंडिंग के लेंगे तो उससे अपने को स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट तक जाना है स्मॉलेस्ट छोटे नंबर से अपने को बड़े तक जाना है तो पहले आएगा 385 500 दिया है ये भी 500 है ये भी 500 है तो पहले आएगा 538 फिर ये है 583 इसमें दिया है 853 835 तो पहले 835 ले गई 853 आएगा 385 588 583 835 853 ये है असेंडिंग ऑर्डर है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट राइट द नंबर इज डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलर बड़े से छोटे तक जाना है अब इसमें 276 है 267 है 726 है 672 है 762 है तो अपने पहले 762 सबसे बड़ा नंबर है तो बोलेंगे 762 इसके बाद में आएगा 726 नेक्स्ट है 77 का हो गया अभी 6 का आया 672 बाद में है 276 है और 267 है तो 276 आएगा फिर 267 डिसेंडिंग ऑर्डर दिया है अपने को इस हिसाब से करना है अपने को पहले में ही राइट द जस्ट क्रेसेंडिंग नंबर 469 470 राइट द जस्ट सक्सेंडिंग नंबर 391 392 राइट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर 385 538 583 835 853 Write the number in descending order 762 726 672 276 267 अब descending order ने अपने smaller to greatest तक दिया अब descending में अपने greatest to smallest to number b do is directed draw the mirror half of the following symmetrical letter on board बताना है अपने को इसमें बताया है कि भाई ऐसे आपको हाफ बताया है मिरर में इसमें बताना है ने पूरा बताएंगे उसमें सेमेट्री में h दिया हुआ है तो h को अपने आधा दिखा हुआ है तो वही हिसाब से करना है बी एच ऐसे आधा है तो अपने पूरे बनाएंगे लेटर उसका ऐसे आ जाएगा उसको पूरा करेंगे द
तो एच बन जाएगा। एच बना है, एन है, फिर के है, एच एन के, सिमेट्रिकल लेटर। सिमेट्रिकल लेटर और वर्ड्स दिए है, ये लेटर से और वर्ड्स बनाए। खूब अभी पुट राइट फॉर द पिक्चर डैट शो symmetry and the x that does not show symmetry। अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये बी है, तो बी में अपने उसको दोनों साइड सेम सेम भाग है, राइट है वो। इसमें सेम नहीं है, रॉन्ग है। इसको दोनों को भाग हो सकते हैं सेम सेम, ऐसे मोड़ोगे तो राइट है, ये भी राइट है, सेम सेम भाग हो सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3, डू इज डायरेक्टेड पुट राइट ऑन द शेप्स विथ कर्वर्ड विथ द फिगर गिवन बिलो। जो कर्वर्ड है, जो वर्णांक का है, उसको अपने को राइट मार्क करना है। जो कर्वर्ड आकार दिया है, शेप दिया है, फिगर उसकी राइट मार्क करेंगे हम। अभी इसमें नहीं हो पा, ये राउंड है तो उसमें कर्वर्ड है तो उसमें हम राइट करेंगे। जहाँ पे करवड़ है वहाँ पे राइट करना है, वो भी राइट आएगा, ये भी राइट आएगा, ये भी इधर से बड़ा हुआ है और ये भी ये मुड़ा हुआ, तो ये करवड़ शेप से उसमें राइट आता है। काउंट द कॉर्नर एंड मैच विद द नंबर। सभी आपको नंबर दिया है, जैसे है 8 है, 7 है, 6 है, 3 है, तो कॉर्नर बताना है अपने को। ये 1, 2, 3 कॉर्नर है तो 3 पे मैच करेंगे अपने, 3 तक ले जाएंगे। ये 1 को हम 3, ये पहला है 3 वाला कॉर्नर है, 3 कॉर्नर है तो 3 मैच करेंगे। बी एल दिया है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 6 पे ले जाएंगे उसको, ऐसे मैच करना है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉर्नर है और इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉर्नर होता है, तो 8 पे ले जाएंगे। ऐसे मैच करना है आपको कॉर्नर के हिसाब से। अभी इसमें दिया है मैच द ऑब्जेक्ट विद द शेप्स, आकार दिए है उसको अपने को क्या करना है, मैच करना है। जैसे सर्कल जैसा है उसमें करेंगे, थोड़ा बड़े ही रोटी जैसा आकार, इसमें ट्रायंगल जैसा है, इसमें है रेक्टेंगल है, फिर स्क्वायर जैसा है, इसे मैच करना है। इसमें दिया है ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, सिलेंडर है, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सिलेंडर, सर्कल, स्क्वेयर। अब इसमें मैच करेंगे ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की स्पेलेंगे TRIANGLE, ट्रायंगल, ट्रायंगल में मैच हो जाएगा उसको। इसमें है सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर में मैच करेंगे उसको। फिर है ये स्क्वायर, ए है सर्कल, तो CIRCLE सर्कल, स्क्वायर SQUAR स्क्वायर में ले जाएंगे, इसे आपको मैच करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स दिए है, वो उसको सॉल्व करना है अपने को, वो प्रॉब्लम से उसको सॉल्व करेंगे। जीनल हैड रुपीज 209, पिंकी गिव इज द 409 टू हिम, हाउ मैनी रुपीज डज जीनल हैव नाउ।
अभी जीनल के पास से 209 रुपीस और पिंकी ने उसको दिए है 409। तो दोनों को हम एड मिलाएंगे तो कितने रुपीस हो गए जीनल के पास वो अपने को बताना है। तो हम बताएंगे उसको कि जीनल के पास थे 209 लिखेंगे। रुपीस जीनल हैड, रुपीस जीनल हैड। फिर उसके पास पिंकी ने दिए है 409 रुपीस, पिंकी गेव। अब ये दोनों को टोटल करेंगे, 99 होता है 18 का एट हुआ, पर वन कैरी आई, 1 का 1 ये 0 है तो 1 का 1 हो जाएगा। 2 और 4 होता है 6, 680 रुपीस टोटल रुपीस हुए उसके पास में, टोटल रुपीस। जलपा नोटेड द इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग ऑफ यरमथ और हाउस, उसके इलेक्ट्रिसिटी है उसका नोट करती है वो, रीडिंग करती है। लास्ट मंथ आया था उसका यूनिट था 138 यूनिट था, और दिस मंथ ये मंथ में 342 यूनिट। तो हाउ मेनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड सी यूज इन 1 मंथ, के उसने कितना यूज किया वो बता रहे हैं। तो अपने को बताना है उसने कि किसना कितना यूज किया हुआ है, बताएंगे हम उसके बारे में कि उसके 332 रुपये यूनिट्स बताए हैं, 342 यूनिट्स यूनिट। फिर है उसमें से हम 138 यूनिट्स लास्ट मंथ का था यूनिट, अभी इसको हम माइनस करेंगे। अभी 2 में से 8 तो नहीं जा सकता तो उसको आगे से बोरो लेना पड़ेगा, बोरो लिया उधार लिया इधर 3 आ गए, इधर 2 है 10 लिया तो 12 हो गए। अभी 12 में से 8 को माइनस किया तो 4 बचे, और 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 1 माइनस किए तो 204 यूनिट्स हुए। हाउ मैनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड सी यूज इन द 1 मंथ, का उसका हुआ 204 यूनिट्स, 204 यूनिट्स हुआ। सॉल्व द प्रॉब्लम्स, जीनल हैड रुपीज 209 रुपीज जीनल हैड उसके पास में है। पिंकी गिव रुपीज 409 टू हिम, पिंकी ने उसको दिया है 409 रुपीज पिंकी गिव। और दोनों का टोटल करते हैं, हाउ मेनी रुपीज डज सिग्नल हैव नाउ, 680 रुपीज टोटल रुपीज हुए उसके। अभी जलपा नोटेड द इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग ऑफ द हर हाउस, उसके हाउस का लास्ट मंथ था उसका 138 यूनिट्स, दिस मंथ दिस इट इज 342 यूनिट्स हुए है। तो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिड सी यूज इन 1 मंथ, में कितना यूज किया है वो बताया है। तो दिस इज मंथ में उसने 204 यूनिट उसने किया है यूज। There are 385 papaya trees and 270 chiku trees in the orchard. How many total trees are there in the orchard? एक वाड़ी है उसमें पपैया के झाड़ है 385 और चीकूस के है वो ट्रीज उसके 270 चीकूस से। तो दोनों को मिलाएंगे तो कितने हो गए, हाउ मैनी टोटल ट्री वो वाड़ी में कितने हो गए, ऑर्चर्ड यानी वाड़ी है एक,
तो पपैया ट्री 385 पपैया ट्री से प्लस 270 चीकू ट्री से। अब ये दोनों का टोटल किया है तो दोनों का टोटल 5 प्लस करेंगे तो 5 का 5 8 और 7 15 15 का 5 1 ऊपर हो गए कैरी 3 और 1 4 4 और 2 6 तो 655 टोटल टीस हुए। अपने को इसमें दिया है 385 पपैया टीस तो 385 पपैया टीस 270 चीकू ट्रीज और टोटल टीस बताना है तो टोटल ट्री बताए अपने को। टोटल ट्री हुए 655 टोटल टीस हुए। 3 नंबर है मिनल परचेसर ऑयल रॉट। मिनल ने परचेस किया है खरीद दिया है ऑयल कितने रुपीस का 604 एंड घी उसने का परचेस किया है 396 रुपीस का। तो हाउ मच मैनी डिड सी स्पेंड इन ऑल उस दोनों के मिला के उसने कितने पैसे दिए उसने परचेस किया यानी खरीदा है मिनल ने ऑयल है वो 604 रुपीस का है ऑयल और घी है वो 396 रुपीस का है ऑयल और घी। अभी दोनों का टोटल करेंगे 4 और 6 10 हुए 10 का 0 ऊपर 1 कैरी 9 और 1 10 तो 10 की 0 ऊपर 1 कैरी 6 और 3 9 और 1 10 तो 1000 हुए टोटल रुपीस ऑल दोनों को मिला के उसने 1000 रुपीस दिए। विनोद क्रेड 152 स्कोर है उसका विनोद का। विनोद स्कोरेड 152 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग में उसने 152 रन्स बनाए एंड 89 रन्स इन द सेकेंड इनिंग में उसने 89 रन बनाए। तो हाउ मेनी टोटल रन डिड द स्कोर इन द बॉथ इन द इनिंग बॉथ यानी दोनों को मिला के उसके इनिंग के कितने रन्स हुए। इसमें 152 रन इन द फर्स्ट इनिंग के 152 रन इन द फर्स्ट इनिंग प्लस 189 रन इन द सेकेंड इनिंग। अब ये दोनों को अपने को बहुत करना दोनों को मिलाना है फर्स्ट इनिंग और सेकेंड यूनिट के रन मिलाएंगे टोटल करेंगे 8, 2 और 9 11 हुआ 11 का 1 ऊपर 1 कैरी 5 और 1 6 और 8 14 का 4 ऊपर 1 कैरी 1 और 1 2, 241 टोटल रन्स हुए दोनों को मिला के। ये फर्स्ट इनिंग के है 152 और 89 रन है सेकेंड इनिंग्स के है दोनों को मिलाया तो टोटल हुआ 241 टोटल रन्स हो गए। देर आर 495 गुजराती बुक्स हैं एंड 345 हिंदी बुक्स हैं इन ए लाइब्रेरी के अंदर। तो हाउ मेनी टोटल बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी दोनों को मिला के लाइब्रेरी में कितनी टोटल बुक्स हुई है वो बताना है। देर आर 495 गुजराती बुक्स 495 गुजराती बुक्स 345 हिंदी बुक्स 345 हिंदी बुक्स। अभी दोनों को प्लस करेंगे हम। अब इसमें है के 5 और 5 10 हुआ 10 का 0 ऊपर 1 कैरी 1 और 9 10 और 4 14 14 का 4 1 कैरी 4 और 1 5 5 और 3 8 और टोटल बुक्स हो गई 840 टोटल बुक्स हो गई। 6 नंबर में है ए मर्चेंट शॉल्ड 236 सेक ऑफ वीट एंड 507 सेक्स ऑफ द राइस डर्निंग ए डे हाउ मेनी टोटल सेक्स ऑफ द ग्रेन डिड ही सेल। अभी अपने को क्या करना है एक जत्थाबंद माल का व्यापारी है उसके उसने है वीट की उसके पास इतनी बोरी है वीट की उसने स्टैक से बोरी हुई है उसकी गूंज है वो बोरी
तो वो है 236 है, और राइस की है 507 राइस की है, तो दोनों को मिला के कितनी गुंद हुई वो बताना है। तो 236 प्लस 507 राइस, ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो 6 और 7 हुए 13, 13 का 3 1 केरी, 1 और 3 4, 2 और 5 7, तो 743 6 उसके पास हुई दोनों मिला के। ओके, अंडरस्टूड।